हाय दोस्तों, मैं हूँ संपत सनाड्डे, आपका दोस्त, मोटिवेशनल स्पीकर। आपको वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्साह की, उमंग की। जीवन में उत्साह और उमंग अगर आपको नहीं है तो आप कोई भी लक्ष्य आप जीवन में नहीं पा सकते। उत्साह का मतलब यह होता है कि एक आप कोई काम करते हो तो एक अलग तरह से आंतरिक ऊर्जा, एक एक्स्ट्रा ऊर्जा अपने अंदर लाना, एक एक्स्ट्रा जोश अपने अंदर लाना, एक एक्स्ट्रा जुनून अपने अंदर लाना, उसको आप उत्साह कह सकते हैं। आप कोई भी काम कर रहे हो, उस काम को आपको करते जाना है, करते जाना है, लेकिन बीच में आपको कोई कष्ट आए या कोई असुविधा आए तो भी आप उस लगन को, उन कष्ट को भी सहते हुए उस लगन से उसको काम करते जाते हो, तो वही उत्साह होता है। और ये उत्साह आपको आपके जीवन में लक्ष्य को पाने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पैदा करता है। अगर आप कोई अगर अपने जीवन में लक्ष्य लेके चल रहे हैं और अगर आप एक नॉर्मल लाइफ पे जाते हैं और आपको लगता है कि यार मैं नॉर्मल जीते हैं, और अगर आपके अंदर उत्साह नहीं है, उस कार्य के प्रति उमंग नहीं है, तो वह काम आप नहीं कर पाएंगे। आप रोज डेली रूटीन का काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं आप, या कुछ भी नौकरी जाते हैं, या कुछ भी मैकेनिक का काम करते हैं, या कुछ भी टीचिंग करते हैं, या कुछ भी जाते हैं, आप लगता है कि यार रोज सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, पढ़ा के आ जाते हैं, लेकिन मन में अगर गुस्सा नहीं है तो क्या है, वो डेली रूटीन काम होता रहेगा, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप उसी स्थिति पर, आप उसी लेवल पर रह जाओगे। लेकिन अगर आप अपने काम में भी, जैसे कि आप टीचिंग के काम में, जैसे मैकेनिक काम में, जैसे कि आपको ऑफिस में काम में, अगर आप उत्साह है, उमंग है, और आप उस उत्साह से और उमंग से वो काम करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको तरक्की जरूर मिलेगी, कहीं ना कहीं उस लेवल पर आप जरूर पहुंचोगे। भले आपका फील्ड कम हो, लेकिन आपके अंदर उत्साह और उमंग होना जरूरी है। अगर उत्साह उमंग नहीं होगा तो आप उसी लेवल पर रहोगे और उसी लेवल पर आपके जीवन खत्म हो जाएगा, आप अपने जीवन के लक्ष्य नहीं पा पाओ। इसका उत्साह को मैं सबसे बढ़िया एक एग्जाम्पल देता हूं। आपने देखा होगा, रामायण देखी होगी, जब सीता जी की खोज में सभी जने समुद्र के पार, समुद्र के यहाँ चले जाते हैं। अब समुद्र विशाल है, समुद्र को पार करके जाना है, इधर सारा उन्होंने सीता जी की खोज कर ली, सीता जी नहीं मिले। अब वहाँ सारी वानर सेना खड़ी है, हनुमान जी खड़े हैं, जावन जी खड़े हैं, अंगद जी खड़े हैं, नल, नील और सुग्रीव वगैरह सभी खड़े हैं। अब सभी उस एक टक उस सागर को देख रहे हैं कि यार कैसे इस सागर को पार पाया जाए, कैसे उस पार जाके सीता जी की खोज करके वापस अपने यहाँ आया जाए। अब सब में बड़ा टेंशन होता है, सब में बड़े संदेह होता है कि कैसे और कौन जा पाएगा। जब बीच में जावन जी कहते हैं कि यार क्या मेरी उम्र हो चुकी है, मैं वृद्ध हो चुका हूँ, लेकिन जब मैं जवान था तब मैंने बहुत सारे युद्ध भी किए हैं, लेकिन आज मैं इस समुद्र को पार नहीं कर सकता, और आज अगर मैं चला भी गया ना तो समुद्र 400 कोस दूर है और मैं 350 कोस जा सकता हूँ, मेरे को बीच में ही रुकना पड़ेगा, बीच में ही मेरे को तोड़ना पड़ेगा। तो जामन जी अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, वो मना करते हैं। फिर अंगद जी कहते हैं, अंगद कहते हैं कि यार मैं जा सकता हूं, लेकिन मेरे में भी संदेह है। जब संदेह की बात आती है तो आप समझ जाओ कि वो काम बिल्कुल सक्सेस नहीं होगा। जामन जी कहते हैं कि यार अंगद, अगर आप युवराज हो हमारे, और अगर आपके अंदर समुद्र पार करने में थोड़ा सा भी संदेह है तो आप मत करिए। नल नील वो भी सर झुका देते हैं, सुग्रीव वो भी नहीं जा पाते। अब सब सोचते हैं कि यार कैसे हम इसको पार करें और कैसे हम जाएं, तो जामवन जी की नज़र हनुमान जी के पड़ी। जामवन जी को याद आया, यार बचपन में हनुमान जी बहुत सारे बड़े बड़े कार्य किए हैं, सूर्य तक को अपने मुंह में ले लिया है, तो हनुमान जी कार्य कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त भी हनुमान जी के अंदर उत्साह नहीं था, हनुमान जी अपने आप को सोच रहे थे, उनमें भी एक संदेह था कि यार मैं भी इतना बड़ा समुद्र ला के जा पाऊंगा, क्या मेरे अंदर इतनी शक्ति है, क्या मेरे अंदर इतना जुनून है, क्या मेरे अंदर उतना उत्साह है। एक अंदर ही अंदर हनुमान जी के अंदर एक बातें चल रही थी, लेकिन उनको उत्साह बढ़ाने वाला कोई था। फिर जामन जी पास में जाते हैं और हनुमान जी को उत्साह बढ़ाते हैं, हनुमान जी को कहते हैं कि यार आप ये काम कर सकते हो, हनुमान आप जा सकते हो। वो एक ही बात कहते हैं हनुमान जी को, एक लाइन कहते हैं आप याद रखना, वो कहते हैं अपने अंदर उमड़ती उमंगों से सागर की उमंगों पर विजय प्राप्त करो हनुमान। वो हनुमान जी को एक बात कहते हैं, फिर हनुमान जी को सारे वानर सेना और सभी उनकी जय जयकार करते हैं, फिर उसके अंदर उत्साह और जोश और उमंग आ जाता है, और फिर आपके सामने वो सागर पार करके जाते हैं। अंदर बीच में राक्षस वगैरह सारे आते हैं, उनका नाश भी करते हैं, और वहां लंका में राक्षस का नाश करके सीता जी का पता खोज करके वापस आ जाते हैं। तो ये चीज होती है उत्साह, ये चीज होती है उमंग, कुछ काम के प्रति इंसान का और एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाना,
एक्स्ट्रा जोश आ जाना कि मैं यार काम कर सकता हूँ। अब मैं सबसे अच्छे बात बताऊँ, एक बात बताऊँ, आप कहते हो यार हम इस फील्ड में हैं, हम मैकेनिक फील्ड में हैं, हम इसमें उत्साह क्या करेंगे, हमारा तो डेली वाला काम है, कोई कहते टीचिंग वाला काम है, हम इसमें क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या क्या कर पाएंगे आगे। लेकिन मैं आपको बात बताऊँ, धीरू भाई अंबानी क्या करते थे, एक पेट्रोल पंप पर जॉब करते थे। अगर उन्होंने जीवन में उत्साह और उमंग और जोश नहीं रखा होता तो आज वो बड़े इतने आज अपने जीवन में वो इतने बड़े एम्पायर के मालिक होते वो नहीं होते, वो उसी पेट्रोल पंप पे काम कर रहे होते, उनकी ज़िंदगी वहीं गुजर जाती। लेकिन उनके अंदर कुछ करने का जुनून था, कुछ जोश था, कुछ और एक्स्ट्रा करने का था, तो उन्होंने वो किया और वो पाया उन्होंने। और अच्छा मैं आपको उदाहरण देता हूँ, गौतम अदानी एक शेयर ब्रोकर के रूप में काम करते थे, 100 रुपये के बॉम्बे आए थे, महिंद्रा ब्रदर्स में उनकी फर्स्ट जॉब लगी थी, हीरे छाटने का उनका काम था। अगर उसके उनके अंदर भी उत्साह और जोश और जुनून नहीं होता तो वो क्या करते, वो भी उसी जगह करते, नौकरी करते रहते, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है मैनेजर लेवल पे पहुंच जाते और अच्छी सैलरी पा लेते। लेकिन क्या था, लेकिन इनका उधर उत्साह जोश था, जुनून था, कुछ करने की तमन्ना थी, कुछ करने का उत्साह था एक्स्ट्रा। और आज आज देख लो आप कोयला गैस खनन और टॉप 100 में उनका नाम आता है, रिचेस्ट पर्सन। तो यही एक चीज़ होती है उत्साह, ये एक उम्र होती है। आप लोग कहते हैं सर मेरा तो काम है ऑफिस जाने का काम है, मैं ऑफिस में और एक्स्ट्रा क्या कर पाऊंगा, मेरा सर एक मैकेनिक का काम है मैं और एक्स्ट्रा क्या कर पाऊंगा। आप उसमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा नया सीखते रहिए, कुछ नया करते रहिए, कुछ सोचो कि मैं कुछ इसमें नया कर सकता हूँ। आप ये सोचो कि मैं इस लेवल से ऊपर उठ सकता हूँ, मैं कुछ उठ के नया कर सकता हूँ। ये चीज़ होगी तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी अपने लक्ष्य को पाओगे। अगर आप सोचोगे नहीं यार मेरा तो एक टीचिंग का काम है, मैं एक टीचिंग करते करते ही रह जाऊंगा और आगे नहीं पढ़ पाऊंगा, अगर आपके अंदर उत्साह उमंग होगा तो आप बिल्कुल कर पाओगे। एक और मैं आपको सबसे अच्छी कहानी सुनाता हूं, अमेरिका के बीमा व्यवसाय में एक व्यक्ति थे फ्रैंक बेजर, उनका एक जॉब लगी थी इंश्योरेंस सेक्टर में, इंश्योरेंस सेल करना। आप जानते हो इंश्योरेंस सेल करना कितना टफ काम है, इंश्योरेंस सेल करना बहुत ही टफेस्ट जॉब माना जाता है, किसी को बेचना, किसी किसी प्रोडक्ट को बेचना लेकिन उसके बदले कुछ नहीं देना, आजकल लोग कितना सोचते हैं। तो शुरुआत में उन्होंने जॉब की, निराशा हाथ लगी, इंश्योरेंस हुआ ही नहीं लोगों का और वो निराशा में डूब गए, उत्साह उमंग बिल्कुल ख़त्म हो गया उनका। फिर उनको एक दिन लगा कि यार मैं इस जॉब के लिए फिट नहीं हूँ, मुझे इस जॉब से रिज़ाइन दे देना चाहिए। तो वो रिज़ाइन लिखते हैं और रिज़ाइन अपनी जेब में डालते हैं और रिज़ाइन देने मैनेजर के पास पहुंचते हैं। सुनना बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है, एक वर्ड ने उनकी लाइफ बदल दी, एक वर्ड ने, सोचना आप। वो गए अंदर, मैनेजर सर क्लास ले रहे थे दूसरे इंश्योरेंस एम्प्लॉय की जो उनके अंदर में इंश्योरेंस सेल करते थे, उनको बोला कि आप बाहर 10 मिनट वेट करिए गेट के बाहर। वो गेट के बाहर खड़े थे, अंदर सर क्लास ले रहे थे उन सब की, तो उन सर ने क्लास ले रहे थे तो एक वर्ड उनके कानों में पड़ा फ्रैंक बेजर के जो बाहर खड़े थे। वो मैनेजर साहब अंदर बोल रहे थे कि आपके अंदर एक योग्यता है, आप इंश्योरेंस सेल्स कर सकते हो, लेकिन योग्यता से महत्वपूर्ण है उत्साह उमंग जोश जुनून आपके अंदर होना। क्या कहा उन्होंने, गौर करिए इस लाइन पे, आपके अंदर योग्यता है, आपके अंदर डिग्री है कुछ करने की, लेकिन उससे महत्वपूर्ण है आपके अंदर उत्साह होना, आपके अंदर उमंग होना, आपके अंदर जोश होना। अगर ये चीज नहीं है तो आपकी डिग्री, आपकी योग्यता कुछ भी काम नहीं आएगी, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आपके अंदर जोश जुनून और उत्साह है तो आप सफलता की नई सीढ़ी चढ़ते जाओगे और आपकी योग्यता और आपकी डिग्री सारी साइड में रह जाएगी और आप टॉप लेवल पर पहुंचोगे जिंदगी। अब ये बात फ्रैंक बेजर ने बाहर सुनी तो उनका दिमाग खनका, उन्होंने सोचा यार मेरे पास योग्यता है, मेरे पास डिग्री है, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास सर एक बिल्कुल अंदर बिल्कुल एक सही बात कह रहे, मेरे पास उत्साह नहीं है, मेरे पास उमंग नहीं है, मेरे पास जोश नहीं है, मैं क्या कहूँ यार। फिर वो उसी वक्त वो सोचते हैं कि यार क्या मेरे पास एक ट्राई और करनी चाहिए, जोश उत्साह और उमंग के साथ एक ट्राई करनी चाहिए मेरे को। वो इस्तीफा निकालते हैं, अंदर नहीं जाते, अंदर उनकी क्लास चल रही मैनेजर सर की, अंदर नहीं जाते मैनेजर साहब को इस्तीफा देने के लिए। सुनिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, वो अपना इस्तीफा निकालते हैं,
फाड़ते हैं, वहीं डस्टबिन में डाल देते हैं। उसके बाद वो नए सिरे से फील्ड में जाते हैं और नए सिरे से जब क्लाइंट को जब इंश्योरेंस की बातें बताते हैं, उत्साह उमंग और जोश के साथ उनको बातें बताते हैं, तो जब वो क्लाइंट के सामने मिलते हैं तो वो देखते हैं यार क्या जोशीला पर्सन आया है, क्या उत्साही पर्सन आया है। और ऐसे ही सुनते और सामने वाला उत्साह बन जाता था, सामने वाला जोशीला हो जाए इंश्योरेंस कराने वाले, तो उन्होंने फट उनसे इंश्योरेंस होने लगे। और एक टाइम ऐसा आया वो अमेरिका के नंबर वन सेल्समैन बने और वो उन्होंने सेल्स के मामले में ख्याति प्राप्त की पूरे अमेरिका में, टॉप नंबर वन सेल्समैन बने। देख लिए जो बंदा इस्तीफा देने के लिए उस जॉब से सर के पास चला गया था, लेकिन एक वर्ड ने, एक लाइन ने उनकी जिंदगी बदल दी, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप भी कर सकते हो, बस अंदर जोश, उत्साह और उमंग होना चाहिए। अब बहुत से जने मुझसे पूछते हैं सर यार सर के उत्साह उमंग और जोश कैसे बढ़ाएं, हम तो डेली रूटीन में काम करते कैसे? ससुर कुछ नहीं, आप एक दो तीन टिप्स बताता हूँ मैं आपको, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें, कुछ ऐसी बुक्सें होती हैं उससे उत्साह और उमंग आया जा सकता है। अच्छी कहानियाँ पढ़ें जिसमें जोश और उमंग और उत्साह की बात हो। दूसरे जो अच्छे मेंटर लोग हैं, जो सलाह देने वाले, जो अच्छी सलाह दे देते हैं, उनसे सलाह लीजिए कि मेरे को उस फील्ड में क्या करना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए, मुझे कुछ और नया करना चाहिए। और सबसे बड़ी तीसरी मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, सपने देखते रहिए। जिंदगी में सपने देखना बहुत जरूरी है, उत्साह उमंग जोश और सफलता के सपने देखते रहिए। अगर आप सफलता के सपने देखते रहिए तो आपके अंदर ऑटोमेटिक उत्साह और उमंग आएगा, आपको लगेगा अगर मुझे कुछ करना चाहिए, सपने देखने चाहिए। लेकिन सपने के साथ में ध्यान रखिएगा, सपने देखने के साथ में आपको मेहनत करनी है। खाली यूँ नहीं कि बिस्तर में बैठ गए और सपने देख रहे हैं, हाँ मैं वो करूँगा, मैं वो टॉप पे पहुँचूंगा, मैं उसे, नहीं नहीं सपने के साथ में आपको मेहनत करनी होगी, जोश जुनून और उमंग रखना पड़ेगा, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। आज मैं आपको बात, एलन मस्क टेस्ला के मालिक, वो क्या क्या थे शुरुआत में, एक कंपनी में गैरेज का काम करते थे, मैकेनिक का काम करते थे। वो यही कहते हैं कि आप जितना हो सके मेहनत करें, जितनी हो सके मेहनत करें। अगर सामने वाला 5 घंटा मेहनत कर रहा था, आप 7 घंटे करें, आप 2 घंटा एक्स्ट्रा करें, तभी तो उनसे आगे निकल पाएंगे। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। और चौथी बात कह रहा हूँ, इच्छा शक्ति बढ़ाइए। मन में एक इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए कि यार मुझे कुछ करना है। आज बहुत सारे मैं ऐसे उदाहरण बढ़ता हूँ जो बता सकता हूँ आपको, जो ऑफिस जाते हुए भी टॉप लेवल पहुँच गए, एक सामान्य स्थिति पर वर्क करते हुए टॉप पहुँच गए। मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण दिए, धीरू भाई अंबानी, गौतम अदानी, राधा कृष्ण धमामी की आप स्टोरी जानते हो, कुछ नहीं, एक सामान्य परिवार से आए थे और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया और टॉप इन्वेस्टर बने। अगर वो चाहते थे तो उसी लेवल में, उसी फील्ड में जा सकते थे, लेकिन उनके अंदर वो जोश, उत्साह, उमंग था, कुछ नया करने का था, तो उन्होंने डीमार्ट की स्थापना की। आज पूरे देश में 180 डीमार्ट के शोरूम है और सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। तो आप ये मत सोचिए कि यार मैं जिस फील्ड में हूँ मैं वहाँ कुछ नहीं कर सकता हूँ, वहीं मेरा लाइफ खत्म है। आप आगे बढ़ सकते हो, आप आगे जा सकते हो, आप जोश जुनून के साथ में आप कुछ भी कर सकते हो। तो इसी के साथ में आज यही है।